को असाइड कर वो क्या कहते हैं जैसे बताया गया था अपनी क्लास एक्टिविटी अपन नहीं मैं किसी हम विद्वान द एस ऑफ देन आर लर्निंग ये हो चुका था एक्टिविटी 4.4 क्वेश्चन को आगे करना था ठीक है ठीक है। टेक अ स्मॉल यस ड्रॉप ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्लेकिंग स्पून एंड हीट इट द डिफ्लेक्टिंग स्पून इज नॉट एवेलेबल यू मे टेक अ मेटालिक कप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन इन फिगर 4.1 कह रहा है आपके पास अगर वो नहीं है तो आप एक क्या कहते हैं डिफ्लेक्टिंग स्पून अगर नहीं है तो आप एक क्या कीजिएगा मेटालिक कप ले लीजिएगा एनी बॉटल एंड रैप अ मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप शोन इन द फिगर 4.4a जैसे कि साइड में दिया गया है 4.a का देख रहे हैं जो हम लोग क्या कहते हैं सिरप सरप लाते हैं उसका जो होता है ढक्कन जो होती है उसको लेके उसमें मेटालिक वायर को कवर किया गया है एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इन टू अ गैस जार कवर द थंबर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम्स एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टू द थंबर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड Take the thumber well, take the solution with red and blue litmus paper. आप क्या करते हैं क्या कहते हैं सोल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर में डालना है ठीक है टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन विद लिटमस पेपर अब सोल्यूशन जैसे जो बन गया है उसमें हम लिटमस पेपर डाल रहे हैं जैसे नीचे दिया हुआ 4.4b में तो पहले हम क्या करेंगे एक क्या कहते हैं अगर हमारे पास स्पून नहीं हैं ढक्कन ले लेंगे उसमें एक वायर डाल के उसको जैसे दिया गया है एक जार में डाल देंगे और सल्फर को बंद करेंगे जार में इसको ऐसे रखेंगे कि इसमें से एयर बाहर ना निकल पाए ठीक है फिर इसमें है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इंटू करेंगे और इसमें स्मॉल क्वांटिटी वाटर डालेंगे उसी में जिसमें एयर था फिर जो सोल्यूशन मिलेगा उसको हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे मेटर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम का सब भी क्या साइन बताया गया था किसका सर कैल्शियम का क्या साइन बताया गया था कैल्शियम का सर सी सर कैल्शियम बताया गया था हाइड्रोक्साइड का क्या बताया था सर आवाज नहीं आ रही सर सर क्या करें सर हाइड्रोक्साइड का क्या बताया गया था सब भी हाइड्रोक्साइड का ओ एच ब्रैकेट में ओ एच ट्वाइस ठीक है तो कह रहा है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज अब क्या है कह रहा है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर का ऐसा है वो जब रिएक्ट करेंगे उसको बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा अब तब भी इसमें आप देखोगे यस ओ टू टू डाई बोला उसको ठीक है तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर NO2 होता तब क्या सर अगर NO2 होता तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं अगर किसी के पास O2 तो उसको डाई ऑक्साइड पढ़ते हैं ये क्लास सिक्स से पढ़ रहे होंगे ठीक है यस सर तो ऐसे अगर कहीं पे दिख रहा है SO2 CO2 CaCO2 ठीक है तो उसको हम डाई ऑक्साइड पढ़ेंगे जैसे अभी हम लोगों ने शो किया था इसके पीछे
ये भी आप नोट कर सकते हैं सभी अपनी मेमोरी के लिए, नोट के ऊपर जो होती है लाइन होती है क्या था CO CO3 O3 जब रहेगा तो क्या था अपना कार्बोनेट था, OS twice था, यस सर OS twice था, डाइऑक्साइड क्या था कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका था हाइड्रोक्साइड, ये आपका डाइऑक्साइड है और एक आपका था CO3, CO3 ये आपका क्या था कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट था, ठीक है, तो जो सल्फर को डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद है आपका देखेंगे इसी में रिएक्शन दिया गया है फिर उसमें जब वाटर ऐड कर रहे हैं SO2 था प्लस वाटर ऐड कर रहे हैं, अभी हमारा फॉर्म क्या कर रहा है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरस एसिड। अब हमने आपको सभी बताया था कि अब इसमें सल्फर की क्या कहते हैं वो देखिएगा, नंबर ऑफ सल्फर सीसी कितने हैं, थ्री, सभी ठीक से केयरफुली देखिएगा कितना है नंबर ऑफ सल्फर, थ्री नहीं सभी देखो सभी अगर ब्रैकेट में रहेगा तब उसका टू या थ्री से मतलब है, यहाँ पे है केवल एक सल्फर है प्रोडक्ट समय रिएक्टेंट के समय भी हमारा कितना होना चाहिए एक सल्फर, एक यहाँ पे एक सल्फर यहाँ पे है, ठीक है, इट मीन्स हमारा रिएक्शन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं सबीर, ऑक्सीजन सर दो तीन, तीन दो यहाँ पे और एक, जो प्रोडक्ट हमारा बना है देखिए ये भी क्या है कि नहीं है, यस सर आपका है H2, यहाँ पे भी आपका है H2, इट मीन्स हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, तो कभी कभी आप जब 9th का एग्जाम देंगे बोर्ड एग्जाम देंगे तो नॉर्मल ऐसा आता है एक तरीके का इधर आपका दिया रहेगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया रहेगा कि इफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्या कहते हैं वाटर रिएक्ट देन व्हाट वी फॉर्म हमें क्या मिलेगा, तो आपको जब ये चीज आती रहेंगी कि एक सल्फर यहाँ पे है दूसरे यहाँ पे है तो आप रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है, यस सर, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब जो ये सोल्यूशन हमें मिल रहा है सल्फ्यूरस एसिड का ये क्या कहता है टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये ब्लू पेपर को क्या कर देता है रेड कर देता है, ठीक है, बताइए तो क्या कहते हैं जो हमारी सल्फ्यूरस एसिड होता है वो क्या कहता है टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिड एसिडिक इन नेचर, क्या कह रहा है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड हम कैसे डिनोट करते थे ऑक्साइड, ये जो हमारा है कह रहा है ऑक्साइड जनरली जो होते हैं नॉन मेटल जो होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है, इट मीन्स जो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड होगी यानी जैसे SO2 होगा, ठीक है, और जो भी नॉन मेटल्स हैं इनके भी जो आप जो भी ऑक्साइड फॉर्म होंगे SO2 NO2 जो नॉन मेटल्स वाले हैं उनके ऑक्साइड हमेशा क्या होंगे टेस्ट में कह सकते हैं या नेचर में क्या क्या कह सकते हैं एसिडिक होंगे, अगर नेचर में एसिडिक कह रहा है इट मीन्स क्या होगा सब्जी ब्लू को रेड में चेंज करेगा,
ब्लू को रेड चेंज करेगा और सर जो ये पीएच स्केल होता है सर, इसमें ये 7 के नीचे ही रहेगा, 7 की काउंटिंग के नीचे ही रहेगा जी। जो इसकी पीएच स्केल होगी वो 0 टू 7 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यस सर। जो इनकी पीएच स्केल होगी वो 0 टू 7 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और जो भी एसिडिक की जो भी क्वालिटी होगी वो जो डाइऑक्साइड है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है। यस सर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेस यू हैव लर्न, यू हैव रीड इन क्लास 7। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल आर नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन देम व्हिच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, कि वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या कैसे ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। रिएक्शन विथ वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। अब यहाँ से आ जाएगा, कभी कभी आता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, तो क्या जाएगा, सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव vigorously with oxygen and water, a lot of heat is generated in the reaction, it is therefore stored in kerosene. इसलिए ये क्या कहते हैं, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। एक्टिविटी है आपकी 4.5, टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाई द टीचर ड्यूरिंग द डिमोन्स्ट्रेशन, स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीसेज इज रफली the size of wet gram, it should be held with a pair of tongs. Take a 250 ml beaker glass tumbler, fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium pieces wrapped in cotton into the beaker, observe carefully. During observation keep away from the beaker. अब ये जो क्या होता है, सोडियम होता है, ये रिएक्टिव ज्यादा होता है तो इसमें से बर्निंग की चांसेस ज्यादा होती है, तो जब भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम केयरफुली करेंगे, ठीक है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, व्हाट डू यू फील, हैज द बीकर बिकम हॉट। अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन कर लेगा तो देखेंगे बीकर जो होगा वो क्या होगा, हॉट होगा। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सोल्यूशन एसिडिक आर बेस। और जब टेस्ट करेंगे तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये हमारा एसिडिक है या बेस है, ठीक है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोरी। अब जो हमारा सोडियम मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्ट कर रहा है वाटर साथ, बट जो हमारा आयरन है कुछ टाइम लेके करता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अब कह रहा है फॉस्फोरस जो होता है वो फायर कैच कर लेता है अगर हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपोज करते हैं एयर के साथ, ऐसा क्यों सभी सर, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, रिएक्टिव है, और क्या कहते हैं हम जब एक्सपोज करते हैं किसी चीज को वो एयर के साथ रिएक्ट करती है। एयर में क्या होता है, एयर में सर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है जो कि एक तरीके का बर्निंग पार्टिकल्स प्रिपेयर करता है, तो कोई भी पार्टिकल्स अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं अगर वो रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर आपको बताया था, मॉइस्चर एयर से रिएक्ट करके क्या करेगा, फायर कर देगा, यूज होगा। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. अब क्या है, atmospheric क्या कहते हैं, ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको हम किस में करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। Reactions with acid, let us see how metals and non-metals behave with acid. Activity 4.6 है, इसको क्या कहते हैं,
वार्निश कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब. अब आप जब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम जब देते हैं तो आपके पास टेस्ट ट्यूब होती है. टेस्ट ट्यूब देखा है कभी आपने? यस सर. उसके साथ हमारे एक टेस्ट ट्यूब होल्डिंग होती है ताकि हम टेस्ट ट्यूब को अपने हाथ से न पकड़ें. कभी कभी क्या होता है ये सब रिएक्ट करके टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो जाते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हम इसको पकड़े क्या करें हैं टेस्ट ट्यूब को उसके होल्डर से पकड़ें. टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्ट इन 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ए बी सी डी ई एंड एफ. अब हमें क्या कहना है ये जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन कॉपर चारकोल एंड सल्फर ये लेने हैं एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में. उनको हमें साइन करना है जैसे मैग्नीशियम है तो ए बी एल्युमिनियम बी आयरन सी कॉपर डी ऐसे इनमें सिंबल करना है. विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स क्या होगा बताया सर? नहीं सर. इसी को आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ऐसे आपको कभी बीच में रिएक्शन आया होगा तो ऐसे लिखा था ये. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. आप लोग कई बार रिएक्शन कराया गया होगा आप लोग को 6, 7, 8 में. तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ठीक है. अब क्या कह रहा है 8.5 ml ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1. अब क्या कीजिए जो ये डिफरेंट मेटल एंड नॉन मेटल लिए था टेस्ट ट्यूब में इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉपर की मदद से 5 ml ऐड कीजिए. If no reaction occurs in the cold solution, warm the test tube gently. अब क्या कह रहा है अगर नॉर्मल जिसमें रिएक्ट नहीं हो रहा है तो उसको क्या करिए हीट कीजिए. हीट करने से क्या होगा? हीट करने से रिएक्शन होगा. रिएक्शन होगा ये क्या होगा जब कभी कोई भी प्रोसेस नहीं होती तो हम उसको क्या करते हैं थर्मल उसमें यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीट. ठीक है. तो हीट करेंगे तो ये जो आपस में ये है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये जो आपके मैग्नीशियम एल्युमिनियम कॉपर आयरन और चारकोल और सल्फर है अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे तो जब इनको हीट किया जाएगा तो ये रिएक्ट करेंगे. अब रिएक्ट क्यों कराना है हमको कुछ अभी ताकि हमको मालूम चले कि इसका रिएक्शन से क्या हो रहा है एसिडिक हो रहा है कि बेस हो रहा है या फिर इस रिएक्शन में हमें बर्निंग मिल रही है कि क्या मिल रहा है. ठीक है. Warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. अब क्या कीजिए bring a burning matchstick. एक जलती हुई क्या कहते हैं matchstick मतलब तिल्ली को हर test tube की mouth के पास लगाइए. Repeat the same activity using diluted sulfuric acid instead of diluted hydrochloric acid. Record observation in table 4.5. अब क्या है पहले HCl के साथ करेंगे फिर किसके साथ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे. ठीक है. और फिर इनका रूम टेम्परेचर से क्या कंडीशन है और वार्म करने पे क्या कंडीशन है ये हमको ऑब्जर्व करना है. इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सेम सम केसेस वी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज brought near the mouth of the test tube. You must have found the non-metals generally do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas. That must be the pop sound. क्योंकि pop sound के साथ बंद करता है. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. अब जब आप reaction करोगे आप क्या कहते हैं इसको ABC को जब करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका कॉपर है वो डज नॉट रिएक्ट डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा ऑन हीटिंग. नॉर्मल नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे नहीं करेगा बट हीट पे वो
करेगा रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। अब आपको बताया गया था सब भी एसिड और बेसिस में अंतर एक बताया गया था, क्या बताया गया था सर? जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेस होता है सर वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। आपको एक चीज और बता दें, जब भी एसिड का नाम आएगा उसमें देखेंगे पीएल टाइप का लगा होगा, ठीक है, और जब बेस का आएगा तो उसको बताया गया था ओएच ऑक्साइड टाइप का होगा, ठीक है। तो कह रहा है रिएक्शंस विद बेसिस टू बी डेमोंस्ट्रेट। हाँ सर जी, सर कहाँ पे हैं सर आप? एक्टिविटी 4.7 रिएक्शंस विद बेसिस, चले यस सर। टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, केयर शुड बी टेकन दैट प्लेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल विद अ प्लास्टिक स्पूटुला, ठीक है। प्रिपेयर फेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाई डिजॉल्विंग 3-5 प्लेट ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर, ड्रॉप अ पीसेस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट, bring a burning match stick near the mouth of the test tube, observe carefully, उसके माउथ में क्या कहते हैं एल्युमिनियम में डालना है सोल्यूशन, डालने के बाद हमको मैच स्टिक को वहां ले आके सामने उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7, लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट टाइम, टेक 500 ml बीकर एंड लेबल देम ए बी सी डी ई, टेक अबाउट 5 ml इन वाटर इन ईच बीकर, डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सबस्टेंस एज इंडिकेट इन फिगर 4.6, keep the beaker undisturbed for some time, क्या करना है बीकर को थोड़ी देर भी अनडिस्टर्ब करना है, मतलब उसको हमको ना फेंक करना है ना कुछ करना है, और सम टाइम के लिए छोड़ देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और आपका क्या कहते हैं ये ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में लिखना है। देखिए लिखा है नीचे बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी, बीकर डी, बीकर ई,